हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐश गलार रीजन में अपने पिकाचू को इवॉल्व करेगा। तो इसमें दोस्तों हम ये सब देखेंगे कि क्या होएगा, ऐश कैसे इवॉल्व करेगा, क्यों करेगा, कितने परसेंट चांसेस है इसके, और क्या सच में हो सकता है इतनी बार रोक दिया तो भी। तो दोस्तों वही हम ये सब देखेंगे, उससे पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये है अरे फ्लेम, चुप हो जा। वो लोग समझ गए कि तेरी बात, अब उनको और पका मत। वो लोग अच्छे लोग हैं, बुरा तो बस मैं ही हूँ। चल इंट्रो लगा, हमें वीडियो भी शुरू करनी है। चल ठीक है, लगाता हूँ। तो दोस्तों इसके चांसेस की ऐश अपने पिकाचू को इवॉल्व करेगा, तो इसके चांसेस सिर्फ दोस्तों 45% है, और कि नहीं करेगा उसके चांसेस दोस्तों 55% है। वो क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों पॉइंट नंबर वन ये है कि, रुक जाइए ज़रा साइड हो जाता हूँ। हाँ तो दोस्तों नंबर वन पॉइंट ये है कि ऐश अपने पिकाचू से बहुत प्यार करता है। मेरा मतलब ये है दोस्तों कि ऐश हमेशा चाहेगा कि उसका पिकाचू सबसे बेस्ट रहे, इसलिए हो सकता है कि वो उसे ताकतवर बनाने के लिए इवॉल्व कर दे। वही दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि ऐश पिकाचू को इवॉल्व ना करे ये सोचकर कि वो सिर्फ उसे ताकतवर बनाने के लिए इवॉल्व क्यों करे। तो दोस्तों इस टॉपिक के आप देख सकते हैं कि दोनों रीज़न है कि ऐश क्यों करेगा और क्यों नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं टॉपिक नंबर टू पर। तो सेकंड टॉपिक ये है कि ऐश का पिकाचू खुद ऐश को कहेगा कि तुम मुझे इवॉल्व कर दो। एक मिनट, ऐश का पिकाचू उसे क्यों कहेगा कि तुम मुझे इवॉल्व कर दो? हाँ तो वो बता रहा हूँ ना फ्लेम, तू हमेशा बीच में आ जाता है तो मैं कैसे बोलूँ। ठीक है चल बता। तो दोस्तों पिकाचू ऐश को इसलिए कहेगा कि वो उसे इवॉल्व कर दे क्योंकि इसके पीछे पोकेमॉन कंपनी का हाथ हो सकता है। मेरा मतलब है दोस्तों तो कि आपने देखा है कि ऐश हमेशा हर लीग में जीतते जीतते हार जाता था, पर वो अभी पोकेमॉन के रीजन सेवन मतलब सीजन सेवन में जीत गया, पोकेमॉन मास्टर भी बन गया, जो बहुत ही मुश्किल लग रहा था सबको अभी, पर दोस्तों वो हो गया। तो फिर हो सकता है कि जैसे हर बार पिकाचू ही मना कर देता था उस ऐश को इवॉल्व करने, मतलब ऐश तो उससे ज़बरदस्ती नहीं करता था फिर भी पिकाचू ही मना कर देता था, तो हो सकता है कि इस बार पिकाचू खुद कह दे, क्योंकि इतनी बार मना करे तो हो सकता है कि वो कह दे। पर दोस्तों आप ये मत समझना कि ऐश गलार रीजन में ही पिकाचू को इवॉल्व कर देगा, क्योंकि दोस्तों वो हो सकता है कि पोकेमॉन वाले ब्रेक ले ले, ऐश पोकेमॉन मास्टर बन गए उसके बाद ये रीजन में कर दे, इसके चांसेस नहीं, पर हो सकता है अगले रीजन में कर दे। तो दोस्तों आप ये बिल्कुल मत समझना कि ऐश गलार रीजन में ही इवॉल्व कर देगा। तो टाटा बाय बाय दोस्तों। तुझे नहीं लगता तू कुछ बोलना भूल गया? नहीं मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, तुझे अगर याद आ रहा है तो तू ही बोल देना। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। तो बाय दोस्तों। बाय दोस्तों।